सनातन धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दान करने से व्यक्ति के अशुभ कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और उसे शुभ कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। पर शास्त्रों में दान को लेकर कई नियम और प्रावधान भी बताए गए हैं और दान करने के लिए उचित विधि और समय का निर्धारण किया गया है। ऐसे में शास्त्रों में बताए नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक भी माना जाता है। जबकि कुछ लोग सिर्फ लाभ पाने के उद्देश्य से किसी भी तरह से दान कर देते हैं। खासकर दान करने का उचित समय जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की माने तो सूर्य उदय के बाद कुछ वस्तुओं का दान फलदायी नहीं होकर हानिकारक साबित होता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको शाम के समय दान करने से हानि होती है। शास्त्रों की माने तो सूर्य उदय के बाद किसी को भी पैसे दान नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम का वक्त लक्ष्मी के स्वागत करने का होता है, ना कि उनके दान का। ऐसे में अगर आपसे कोई शाम के वक्त पैसे मांगता है और उसकी कोई बड़ी आवश्यकता ना हो तो फिर उसे मना कर देना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह के वक्त ही आप किसी को पैसे दें। शास्त्रों के अनुसार शाम सूर्यास्त के बाद दूध का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही दूध से संबंध रखते हैं। ऐसे में अगर सूर्यास्त के बाद या रात के वक्त किसी को दूध का दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं और इससे हमारे सुख सौभाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। धन हानि के लिए दूसरे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सही उचित है कि शाम के बाद दूध का दान ना करें। शास्त्रों में शाम के वक्त दूध की तरह ही दही का दान भी करने से मना किया जाता है। दरअसल ज्योतिष के अनुसार दही शुक्र ग्रह से संबंधित है और इससे भौतिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में सूर्य अस्त होने के बाद इसे भी दान नहीं करना चाहिए। इन सारी वस्तुओं के साथ प्याज और लहसुन को भी शाम के वक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध केतु से माना गया है, जो कि नकारात्मक शक्तियों का स्वामी ग्रह माना जाता है। और शाम के वक्त टोना टोटका करने का प्रचलन, ऐसे में इस वक्त प्याज और लहसुन का दान तो कतई नहीं करना चाहिए और ना ही उसे किसी के मांग पर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।